हम लोग फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं, डीजल पेट्रोल और गैस का। ये जो इकोनॉमी है इससे हमारी इकोनॉमिक चैलेंज भी है, और इसलिए हमने ये तय किया कि हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर के बाद जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी और पेट्रोल डीजल 100 के पार चले गए, देश की राजधानी दिल्ली में बेशक 100 के नीचे हो लेकिन कई शहरों में 100 के पार चला गया, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि आखिरकार अब आम आदमी कैसे अपना वाहन चलाएगा, कैसे अपना ड्यूटी करने जाएगा, ऑफिस जाएगा, घर जाएगा। इसको लेकर के सरकार को काफ़ी कोसा गया, सरकार ने थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ ही वैकल्पिक ईंधन पे काम शुरू हो गया था। कहते हैं ना, जब तक समस्या आती नहीं है, संकट आता नहीं है, तब तक उसका समाधान निकलता नहीं है, और आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। यही हुआ है भारत के साथ भी। भारत ने एक साथ कई वैकल्पिक ईंधन पर काम करना शुरू किया, यानी कि बैटरी चालित वाहन जो कि टेस्ट के फेज से गुजर रहे हैं, लाइन लगी हुई है बुक कराने की, और सड़क पे गाड़ियां दिखने लगी है। शुरुआती दौर है, कुछ दिक्कतें आ सकती है, धीरे धीरे वो ठीक होंगी। इसके बाद एथेनॉल, अब पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जाने लगा है, और इससे 40,000 करोड़ की आमदनी हुई है, जो कि कृषि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें उस पैसे को लगाया गया है। और सबसे बड़ा जो स्रोत बनने जा रहा है वो फ्यूल का, वो है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद जो देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं और अपने काम के लिए जाने जाते हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ITB नेटवर्क के एक प्रोग्राम में इसका ऐलान किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं नितिन गडकरी। एयर पोल्यूशन इज द सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम दिल्ली का है, तो अब इसके लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं, डीजल पेट्रोल और गैस का। ये जो इकोनॉमी है इससे हमारी इकोनॉमिक चैलेंज भी है, और इसलिए हमने ये तय किया कि हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। और हमने, मैं 2004 से, ये मनीष को पता होगा, मैं इथेनॉल कहता था, BJP का प्रेसिडेंट था, तब के लोग मुझे बोलते क्या इथेनॉल बोल रहे हैं। अगर उस समय मेरी बात मैं कन्विंस कर सकता तो आज स्थिति नहीं आती। अभी हम लोग पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं, और हमारे देश में इस साल 40,000 करोड़ की बचत हुई, और ये पैसा जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी में गया। अब भाई देखिए, हमारे देश में कॉर्न सरप्लस, गेहूं सरप्लस, चावल सरप्लस, शुगर सरप्लस, हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। हमारी कमर्शियल प्राइस MSP से नीचे चली गई है, इतना सरप्लस है। और हरियाणा में, पंजाब में रेलवे स्टेशन पर चावल हमने रखा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड फ्यूल सेक्टर। तो पहले फूड वर्सेस फ्यूल झगड़ा करते थे, पर परिस्थितियां बदली है, और अभी हमने शुगर केन जूस से इथेनॉल, फिर सी मोलासेस से इथेनॉल, फिर BAV मोलासेस से इथेनॉल, फिर उसके बाद हमने कॉर्न, राइस, ब्रोकन राइस, राइस फूड ग्रेन से इथेनॉल, और अभी हमने आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बनाया। और ये इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा विषय है कि हमारे देश में खूब वेस्टलैंड पड़ी है। आपको याद होगा मोहन धारिया जी हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, अन्ना कहते थे उनको, उनने वेस्टलैंड पर एक रिपोर्ट दिया है भारत सरकार को। ये वेस्टलैंड ऐसी पड़ी, आप हेलीकॉप्टर से देखोगे तो एक भी पेड़ नहीं लगता, ऐसी पड़ी हुई है। वहाँ बाम्बू लगाए, और बाम्बू से अगर हम बायो इथेनॉल बनाएंगे तो अभी हमने नई गाड़ियां लाई है, हीरो, बजाज और TVS। इन्होंने टू व्हीलर जो है वो पूरे टू व्हीलर फ्लेक्स इंजन पर लाए, फ्लेक्स मीन्स 100% इथेनॉल। अभी टोयोटो, विक्रम किर्लोस्कर जी का देहांत हुआ, मैं परसों बंगलोर में उनके घर गया था, उनने मुझे प्रॉमिस किया था कि 1-1.5 महीने में टोयोटो की गाड़ी आएगी। उनकी एक केमरी गाड़ी थी, वो क्या थी कि पेट्रोल पर 40% इलेक्ट्रिसिटी तैयार करके चलती थी। अब उनकी गाड़ियाँ 100% बायो इथेनॉल और 40% इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी। अब इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल का इसमें अंतर था। एक दिन मुझे पता चला कि रशिया में कोई रिसर्च हुआ है, तो मैंने उन साइंटिस्ट लोगों को यहाँ बुलाया, मैंने प्रेजेंटेशन लिया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने पुरी साहब को, इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य, और राम कुमार जो हमारे फरीदाबाद के रिसर्च लेबोरेटरी, उन तीनों को बुलाया, प्रेजेंटेशन हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया बट वी फील इट वेरी डिफिकल्ट।
तो मैंने उनको हिंदी में कहा उनके सामने कि भाई गाजर की पुंगी है बजाओ, बजती है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। बाद में 3 महीने ट्रायल हो गई और ये प्रूव हो गया कि इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल का सेम होगा। अभी 1 लीटर इथेनॉल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml, 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल एज फार एज कैलोरिक वैल्यू था। अब वो सेम हो गया। अब इथेनॉल का रेट है 60 रुपये और पेट्रोल का रेट है 120 रुपये और उसमें भी 40% बिजली आएगी, तो आप समझ लो कि आपको 25 रुपये लीटर से पेट्रोल मिला, इस भाव में वो एवरेज मिलेगा। तो इकोनॉमी बचेगी, इन्वायरमेंट इथेनॉल ग्रीन फ्यूल वो बचेगा। तो पहली बात इथेनॉल। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। जो पेट्रोलियम से निकलता है वो ब्राउन हाइड्रोजन है, जो कोयले से निकलता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, और जो पानी से ऑर्गेनिक वेस्ट से या बायोमास से निकलता है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। अब जो पानी से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करते हैं उसमें 70% कॉस्ट पावर की है। तो आइडिया ये है कि रूफटॉप जी ये जगह है, या ऊपर में रूफटॉप लगा देना और इधर कुआं है, या जो टॉयलेट का पानी होगा वो शुद्ध करना, वो पानी को लाकर पावर यूज करके इलेक्ट्रोलाइजर 1.25 करोड़ का है, उसको लगाकर हाइड्रोजन निकलेगा। और इथेनॉल का जनरेटर मैंने वो भी पहला बनाया है, मैं इसकी पैशन है मुझे किर्लोस्कर ने, तो वो 60 रुपये लीटर है, डीजल 110 रुपये है, तो उसी पे वो कॉम्प्रेस करके 500 बार पर गाड़ी में भर लो, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, हवाई जहाज चलेगा, इवन फार्मास्यूटिकल केमिकल स्टील इंडस्ट्री चलेगी। और हम आज एनर्जी को इम्पोर्ट करने वाला देश है, और अब मोदी जी ने जो हाइड्रोजन मिशन तैयार किया उसमें हम हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश होंगे, हमारा फ्यूल वर्ल्ड में जाएगा। सुना आपने, गडकरी साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तक भारत के किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन भारत का किसान अब अन्नदाता के साथ साथ ईंधन दाता बनने जा रहा है, ईंधन का वो निर्यात करने वाला है, इस तरीके से उनकी प्लानिंग चल रही है। और इसमें सरकार काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है कि अपने यहाँ वेस्ट बहुत तैयार होता है, उससे जो है ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया जा सकता है। तो जो भी कूड़ा कचरा गार्बेज निकलता है उससे कैसे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करे होगा, कैसे उससे व्हीकल चलेंगे, ये बहुत डिटेल में गडकरी जी ने बताया है। और उसके भारत जो है उसका निर्यात करने के चक्कर में है कि जो वर्ल्ड का ईंधन के लिए फोरम है उसमें भारत की भागीदारी बढ़े कि देखिए हम भी ईंधन निर्यात कर सकते हैं। एक और खास बात, भारत सरकार का बजट लगभग 40 लाख करोड़ का है, और कितना खर्च होता है इससे, जो ईंधन है पेट्रोलियम पदार्थों का आयात है, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, पीएनजी है, वगैरह वगैरह पे, उस पे खर्च होता है लगभग 16 लाख करोड़। और ये पूरा पैसा जाता है वो विदेशी मुद्रा में जाता है, वो एक अलग समस्या है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो उससे की थी, वो जैसा कि गडकरी का दावा है कि बहुत जल्दी ये ज़मीन पर दिखाई देगा। आप देखते रहिए, डीजल पेट्रोल गुजरे ज़माने की बात हो जाएंगे, ईश्वर करे ऐसा ही हो, क्योंकि आम आदमी महंगाई से बहुत कराह रहा है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।